अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि तफसीलात के लिए सकेन, अगर लड़की शॉर्ट शीट पहनेगी तो लड़का देखेगा। अच्छा, ये आपका अब्दुल्ला भाई पुतला लगा हुआ है, क्या इसके मुतल्लिक आप कहना चाहेंगे? भाई मुझे तो खुद नहीं पता, अगर अच्छा। मेरे से पूछा ही नहीं, पुतला लगा दिया, पिछली दफा भी लगाया, अच्छा। फिर लगा दिया, अच्छा। बस ये हमें याद करते हैं और हम भी पहुंच जाते हैं और इनको कवर करने के लिए कि यहाँ पर इनके क्या जायज डिमांड्स हैं, उनको कवर करके फिर हम लोगों को दिखाते हैं, गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं कि ये इनकी डिमांड है, तो काइंडली उनको फॉलो करें, उनको काम करें। हमारा तो यही मकसद है, जर्नलिस्ट का काम होता है जो वो देखता वो बता देता, मैं भी वही कर रहा हूँ, सिर्फ इधर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आपने कोई इनसे पूछने की कोशिश ही नहीं की कि क्या इनकी परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? जनाब किससे पूछें, कोई एक बंदा तो है नहीं है, अच्छा। और जिससे भी जाए वो कहते हैं उससे बात करें, उससे बात करें, तो फिर कोई फायदा नहीं दीवार से टक्कर मारने का। हालांकि अच्छा। मैं इनके खिलाफ नहीं, सबसे बड़ा मैं इनका हमायती हूँ, अच्छा। लेकिन इन्होंने मुझे ही रगड़ दिया जनाब, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप क्या क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये आपका पुतला यहाँ पर लगाते रहेंगे? ये आप इनसे पूछें जनाब, अच्छा, कि कब तक ये बिना पूछे लगाते रहेंगे और कब तक लगाएंगे, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता जनाब। अच्छा, आप क्या फील कर रहे हैं इसको देख के? कुछ नहीं, बस हैरानगी हो रही है कि यार हमारे पुतले लगाए जा रहे हैं, क्या बात है, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो पुतले लगा रहे हैं और फिर इनको कहा जा रहा है कि भाई इनसे नफरत की जाए, तो डजंट लुक नाइस, ये अच्छा नहीं है जनाब, मैं यही कहूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप आए, आपको किसी केस में कोई परेशानी हुई हो, कोई थर्ड किया गया हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू जनाब जी। तो नाजरीन, ये थे अब्दुल्ला जो उर्दू पॉइंट पर जो है बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम करते हैं, उनका यह पुतला लगाया गया है। अभी हमने उनसे गुफ्तगू की है, पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये उनकी मर्जी है, जैसे जैसे जिसका पुतला वो लगा देते हैं ये उनकी मर्जी है। और यहाँ पर एक और पुतला भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी आपको दिखाना चाहेंगे, और लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाजिद अली टीवी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेरा जिसे मेरी मर्जी वाली मोहतरम को सालाना कितने फंड मिलते हैं, और काफ़ी यहाँ पर पुतले लगे हुए हैं और मुकम्मल डिटेल अभी मजीद आपको बताएंगे। तो नाज़रीन देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।